तो MTHL बनने से मेरी सारी फ्रेंड्स भी इधर, इसमें जो प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक से समझ लेते हैं क्या है। ये स्टीरियो मोड पे है, स्टीरियो मोड पे दो चैनल साउंड वर्किंग गुड है, जब इसको सराउंड मोड पे करते हैं तो दिक्कत है। लेकिन अपने फ्रेंड से बोलो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस साल ही शुरू हो रहा है। जब ही हमने 5 चैनल स्टीरियो पे किया तो इसकी आवाज, ये फुल वॉल्यूम है, आवाज कम हो जाती है। ये कंप्लेन है हमारे प्रिय मित्र का, तो चलिए देखते हैं। मैंने जो है पूरे बोर्ड का, ये जो बोर्ड है अपना HDMI कॉम DSP, पूरी तरीके से निरीक्षण किया है और दो जगहों पे हमें कुछ दिखा। एक तो ये है, थोड़ा सा कालापन है इस जगह पर, और दूसरा जो है ये है, R1312 और R1312 थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पे, मैं उसको चेक करूँगा। ये है R1312 और जस्ट इसके ऊपर है R1304। इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रस्ट है। मैं जो हूँ, ये दो कैपेसिटर जो आप देख रहे हो, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। C1305 है और C1312। मैंने ये दोनों कैपेसिटर नए लगा दिए हैं। अब इसको लगाने के बाद आवाज़ तो ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी कंपेयर टू स्टूडियो थोड़ा सा गड़बड़ है, कम आ रहा है। तो मैं जो है ये लाइन से आप देख रहे हो, ये जो कैपेसिटर लगे हैं लाइन से, इस सभी को मैं चेंज करूंगा। 6 हैं, 6 भी 6ों के 6, इसमें से मैंने चेक किया है 2 ठीक है, बाकी के ख़राब है। मैं आपको चेक करके दिखा दूं, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं कि इसको जैसे कि ये वाला कैपेसिटर है, ये 10 mFd का है, तो अपने मीटर पे आप देख सकते हो 10 mFd परफेक्ट है। ये भी सभी 10 mFd ही है और मैं इसको चेक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 mFd, और फिर सेकंड वाले को चेक करता हूँ, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये ख़राब है। ये जो थर्ड वाला है, ये भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ये भी ख़राब है। ये फोर्थ वाले पे मैं जाता हूँ, 12 mFd, ये ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ 5, एक मिनट, 5, ये भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ये भी ख़राब है। अब आते हैं 6 पे आप, तो ये भी कुछ नहीं दिखा रहा है। सिर्फ 2 कैपेसिटर अच्छे हैं, बाकी के सभी ख़राब हैं। तो मैं सभी को चेंज करना चाहूँगा, सभी के सभी ख़राब हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं, आप देख सकते हो मैंने इसके 6 के 6 कैपेसिटर निकाल रखे हैं और नए भी हैं। इसको अभी हम फिट करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो है इसके छः कैपेसिटर जितने भी थे चेंज कर दिए हैं। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। जैसा कि पहले हमने चेक किया था इसमें सिर्फ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 11, ये सेकंड 10.9, ये थर्ड, एक मिनट, थर्ड 11, ये फोर्थ 11, ये अपना फिफ्थ, पांचवा 11.9, और ये अपना छठा 10.9 था इसके पीछे वाला। जैसा कि आप देख सकते हो, पहले हमने जब भी चेक किया था कैपेसिटर तो सिर्फ दो ही थे जो 12 MFD दिखा रहे थे, अभी ऑल इक्वल दिखा रहे हैं। अब ये जो है हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे, आवाज़ चेक करेंगे। Pioneer in construction of deep base all technology. Bina Aspas. Dial call 9601995 and Pindola. Pindola, Amazon ka number one. Ab aapke liye. Tum chhi scooter. चलते मग मागे अधिक चे एक साग का बर, कारण एखाद साग पंक्चर झालं तर अधिक से साग लागे। तुम्ही मी आणि आई, आप सुन सकते हैं सभी चैनल में। जैसा कि पहले अपना प्रॉब्लम था 5.1 ऑन करने के बाद आवाज़ जो 75% लॉस हो जाती थी, अब वैसा नहीं है। चलिए अभी आगे इसका HDMI वगैरह भी चेक कर लेते हैं। शूटिंग ज़्यादातर प्लान की गई थी पाकिस्तान बॉर्डर पर। मिशन में बहुत सी अड़चने आने लगी, तो रणधीर कपूर रिलीज हो गई, मनमोहन अनमोल इसलिए भी अनमोल थी उनकी मंगेतर गाने तैयार करने को कहा था जो फिल्म जब जब फूल खिले से मिलते जुलते हो। लेकिन फिल्म हिना के रिलीज होने के बाद हंसराज और प्रतिभा सिन्हा वाली फिल्म अनमोल को अब जाके ये परफेक्ट वर्किंग हुआ है। वर्किंग क्यों हुआ है और मैंने क्या किया है मैं बताता हूँ। पहले जो था ना, एक चैनल में एकदम स्लाइडली आवाज़ कम थी और उसके लिए मैंने ये जो दो कैपेसिटर आप देख रहे हो इसको भी चेंज कर दिया है। अब ये कैपेसिटर क्या काम करता है इसका हम डायग्राम पे आगे चल के आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं आने चाहिए। -8 volt, +8 volt, ये परफेक्ट यहाँ पर इतनी सप्लाई आनी चाहिए। 11.38 दोनों पे इतनी ही सप्लाई है। अब हम बात कर लेते हैं आगे 4.7
1.2 वोल्ट वोल्ट 5.1 वोल्ट यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट इस जगह पे है, 1.8 वोल्ट यहाँ पर नहीं है, जीरो है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जीरो है। यहाँ पर है 4.9। थ्री पॉइंट थ्री, ये है इस बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई जो कि आनी चाहिए, कंपलसरी है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। इसका HDMI वगैरह भी सब वर्किंग गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक किया मैंने। डायग्राम के हिसाब से हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जो सबसे पहले मैंने दो कैपेसिटर चेंज किया था वो ये था, C1305 और सेकंड C1312। सबसे पहले मैंने दिए दो कैपेसिटर चेंज किए थे और उसके बाद जो हमने छः कैपेसिटर चेंज किए थे वो अलग सेक्शन में है, इसमें नहीं है। और उसके बाद जो हमने छः कैपेसिटर चेंज किए थे वो छः कैपेसिटर इधर हैं। ये जो आप देख रहे हो सराउंड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब वूफर, लेफ्ट राइट, ये थे वो कैपेसिटर। और लास्ट में जो दो कैपेसिटर मैंने चेंज किए थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और लास्ट में जो दो कैपेसिटर मैंने चेंज किए थे वो ये दो हैं, आपको C1126, C1124 ये खराब थे।